ये है नवजोत सिंह सिद्धू की आलीशान कोठी। जगह है अमृतसर की होली सिटी। अंदर से देखने पर सिद्धू की कोठी की भव्यता नजर आती है। लॉन में स्विमिंग पूल, पेड़ पौधों के साथ साथ पत्थरों की तराशी मूर्तियां रखी हैं। सामने बड़ा गेट, समर्थकों से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, जो कैमरा बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। आमतौर पर चुनाव प्रचार में जहां नेता सुबह ही अपने विधानसभा क्षेत्र में निकल जाते हैं, इससे अलग सिद्धू आधा दिन बीत जाने के बाद भी प्रचार के लिए तैयार नहीं हुए। समर्थक भी फील्ड में जाने की बजाय चैन से बैठे हैं। बैठने की वजह भी है, अमृतसर ईस्ट पर सिद्धू का एक छत्र राज रहा है। 18 साल से कभी वो तो कभी उनकी पत्नी यहाँ से विधायक बनती रही हैं, वो भी इस तरह के लाइफ और पॉलिटिकल स्टाइल से। लेकिन फिर भी सिद्धू के आगे मुश्किल तो है, क्योंकि उनके सामने हैं विक्रमजीत सिंह मजीठिया, जो कभी चुनाव नहीं हारे हैं। ये भी कह सकते हैं कि इस बार इन दो राजनीतिक दिग्गजों में कोई एक तो हर हालत में हार का स्वाद चखने वाला है। वैसे अगर दोनों भी मतदाता से मात खा जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है, ऐसे में तीसरे की किस्मत खुल भी सकती है। यूं भी अमृतसर ईस्ट में इस बार आपके प्रति भी मतदाता का अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। 5 सालों में तो सिद्धू साहब से यहाँ कोई खास काम नहीं किया। विकास को देखो, 10-15 साल से नवजोत सिंह सिद्धू एमपी रहे, उनकी वाइफ एमएलए रही हमारे हल्के की। आज तक उन्होंने कभी हल्के में आगे पूछा ही नहीं, कभी किसी का दुख ना सुख बांटा है किसी का, ना विकास हुआ है हमारे पूरे, ना हमारी वार्ड में तो पूरा विकास ही नहीं हुआ। क्या मॉडल तो हम तभी मानेंगे ना, पहले वो अपने हल्के में तो मॉडल बनाए, अपने हल्के को मॉडल बनाया था तो हम मानते कि आप पंजाब मॉडल बनाए। उनका हल्का ही इतना विकास ही नहीं हुआ है। हल्के में देखो सड़कें टूटी है, रात को चले जाओ स्ट्रीट लाइटें नहीं चलती। लोगों का कहना है, जो लोग कहते हैं कि विक्रम सिंह मजीठिया ने अपने हल्के में बहुत विकास किया है, 10-15 साल से जो भी MLA हो उनके हल्के में उनका विकास होता है, इसलिए हमको तो उन पर ही विश्वास है कि वही जीतेंगे, लोग उनको ही वोटर पाएंगे। लोगों को विकास चाहिए, हमको भी विकास चाहिए, हम भी विक्रम सिंह मजीठिया के साथ। हाँ, दोनों अगेंस्ट हैं एक दूसरे के, वो उसकी कमियाँ निकालता है, वो उसकी कमियाँ निकालता है, तो पब्लिक ने ये कमियाँ नहीं देखनी, उन्होंने काम देखने हैं कि दोनों में अच्छा किसने किया है। दोनों में से अच्छा जो भी करेगा उसको वोट मिलेगी। आपकी नज़र में कौन अच्छा है? सिद्धू है। हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे ईस्ट हल्के में नशा बिके, और ये सब जानते हैं कि नशा किस किस ने बांटा हुआ है और कौन कौन बांट रहे हैं। कभी भी कोई भी MLA नशा नहीं बांटता। जो भी इधर जो नवजोत सिद्धू हैं, उन्होंने जो काम करवाए हैं हम तो उनको लेके चलेंगे। ये लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे, कहाँ 5 साल कहाँ इनको ढूंढेंगे हम। फिर जो हमने इलाके वाले हैं, जो भी हमारे इधर बैठने वाले हैं, जो भी हमारी इधर चर्चा चल रही है कि यही है कि जो नवजोत सिद्धू है वो कोई बात वाला बंदा है, कोई जड़ वाला बंदा है, इसीलिए हम लोग उसी के साथ। 18 साल से सियासत कर रहे सिद्धू को कभी कड़ी टक्कर नहीं मिली, मगर इस बार वोटिंग से 10 दिन पहले तक सिद्धू बुरी तरह फंसे नजर आ रहे हैं। रही सही कसर आम आदमी पार्टी ने पूरी कर दी है। आप कैंडिडेट जीवन ज्योत कौर बेशक बहुत बड़ा नाम न हो, लेकिन झाड़ू को लोग पसंद कर रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने अकाली दल से अलग होने के बाद अमृतसर ईस्ट सीट पर उपस्थित दर्ज कराने के मकसद से रिटायर्ड IAS अफसर जगमोहन राजू पर दांव खेला है। ये सभी मिलकर सिद्धू के वोट काट रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ रही है। मुद्दा की है ना, मुद्दा सिर्फ लड़ाइयां। मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, मैं ये कर लिया, इदा नहीं गड्डियां चलदियां। कैप्टन ने गुटका सारी ठों खा के कीता। घर घर च ना, ये तो चलो शहर है ना, पिंडा दे विच लोग पुछ रहे हैं अकाली होण, आम आदमी पार्टी होवे, जागरूक हो गए लोग। विकल्प बढ़ने से वोटर भी कंफ्यूज हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीट समझी जाने वाली अमृतसर ईस्ट का वोटर इस बार यूं तो आपके गुण गाता है, लेकिन कुछ देर साथ बैठने पर चर्चा करने के बाद वो कभी मजीठिया तो कभी बीजेपी की ओर झुकने लगता है। यानी वोटर अभी भी कंफ्यूज है कि किसे अपना नेता चुने। खैर,
अब पंजाब में चुनावी हलचल के बीच अमृतसर सीट पर कड़ा मुकाबला होने वाला है। अभी कंफ्यूजन हो रहे वोटर्स किसे अपना नेता चुनेंगे ये तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन इस सीट पर सिद्धू और मजीठिया दोनों की साख दांव पर लगी है।